भोपाल में फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर फार्मेसी काउंसलिंग का घेराव किया। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि कई वर्षों से फार्मेसी काउंसलिंग के लिए चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे फार्मासिस्ट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कई फार्मासिस्ट कॉलेज होने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट के कई पद खाली पड़े हैं, उसके बाद भी सरकार उन्हें भरने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास है वो नहीं कर रही है। हमने लगभग 16 सूत्री एक ज्ञापन सौंपा है फार्मेसी काउंसिल को, पर उनमें से जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनमें है मेन जो है 2002 से फार्मेसी काउंसिल के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण पिछले 20 सालों से लगातार फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। फार्मासिस्टों को रजिस्ट्रेशन से लेकर रिन्यूअल तक फार्मेसी काउंसिल के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है।